बिहार के शहरों में बढ़ते प्रदूषण के मामलों को लेकर बिहार सरकार ने शहर में डीजल चलने वाली सिटी बस पर प्रतिबंध लगाकर सीएनजी बस चालू करने का निर्देश दिया था, लेकिन कुछ एक सीएनजी बस को शुरू हुई परंतु अभी भी शहरों में डीजल बस की आवागमन जारी है। इस मामले पर परिवहन मंत्री शीला मंडल ने बताया है कि इसकी जाँच की जा रही है और फिर नया दिशा निर्देश दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए चलिए चलते हैं पटना हमारे संवाददाता अमलेश आनंद के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़, मैं हूं अमलेश आनंद। मुख्यमंत्री की एक बहुत ही बेहतरीन योजना थी जल जीवन हरियाली, क्योंकि इसका मेन मकसद था जो पर्यावरण को संतुलन रखने की बात थी और हर जनता को स्वच्छ जल मिलने की बात थी। आज बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यक्रम होता है जनता की बातों को सुनना, उनके कार्यक्रम में परिवहन मंत्री शीला मंडल पहुंची और जब शीला मंडल से एक सवाल किया गया, चूँकि पूरे सिटी बस जितनी शहर में बस है, जैसे पटना में सिटी बस चलती थी वो डीजल से, जो कि काफ़ी प्रदूषण उससे निकलता था, उसको बंद कर दिया गया, फिर भी आज भी उसमें डीजल बसें चल रही है, उस पर उन्होंने कहा कि इस पर संज्ञान लिया जाएगा। चूँकि मुख्यमंत्री ने पर्यावरण बचाव को लेकर के बहुत सारे काम किए हैं और इस पर लगाम लगा का कोशिश करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं शीला मंडल, पहले इस बात को सुनिए। देखिए, आप लोग जानते हैं हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जल जीवन हरियाली मिशन के तहत पहले हम लोग का हरित कितना था, कितना परसेंटेज था, 9, उसको 17 हुआ है, उसको ठीक करने के लिए, जो पर्यावरण को ठीक करने के लिए ये सब निर्णय लिया गया है, बहुत सोच समझ के निर्णय लिया गया। और इसमें यहाँ बिहार में पटना से शुरुआत हम लोगों ने किया था, यहाँ सीएनजी या इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो, इसके लिए हम लोगों ने पहले जो बस था चलता था डीजल वाला, उसको 7.5 लाख तक की राशि भी दिए थे कि इसको कन्वर्ट करने के लिए। तो एनी टाइम इस पर हम लोग समय समय में काम करते रहे कि ताकि इस पर नियंत्रण हो सके और यहाँ जो डीजल से चल रहे गाड़ियाँ उसका बंद हो, ताकि सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों को हम बढ़ावा दे सके, इसके लिए काम चल रहा है। पटना में जितने बस स्टैंड बनाए गए हैं उस पर कोई भी बस नहीं रुकती, इसके लिए विभाग जाकर देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ये आप लोग बता दें कि ये जो बस नहीं रुकती है, सबसे पहले तो हम लोग को दिमाग में ये बात आप लोगों ने डाला है, इस पर हम तुरंत इसको देखते हैं कि क्या मामला है। तो आपने सुना, शीला मंडल ने साफ साफ कहा है कि जिस तरह से अगर इस तरह की बात है तो उस पर संज्ञान लेकर के उसको नोटिस भेज करके डीजल वाली जितनी भी गाड़ियां हैं बस जो बस है उसको बंद करवाया जाएगा और सीएनजी वाली गाड़ियां को सुचारू ढंग से चलाया जाएगा। साथ ही जब शीला मंडल मंत्री से एक और सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव या और विपक्ष लगातार हमलावर होते आ रहे हैं, खास तौर पर नीतीश कुमार पर, तो उन्होंने कहा कि उनका जो काम है उस काम को लेकर के कौन रोक सकता है, वो सब दिन हर दिन वही काम करते रहे, आरोप प्रत्यारोप का काम पहले अपने गिरेवान में झांक करके देखे। देखिए, वो उनका काम है, विपक्ष के नेता हैं, उनको बोलने में कोई किसी का परहेज नहीं है, क्या बोलते हैं, पहले आदमी को अपने गिरेवान में झांक करके देखना चाहिए। हम लोग, हमारे नेता न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, निरंतर बिहार में जो पहले की स्थिति क्या थी, आप भी बिहार के वासी हैं ना जी, आपको भी पता होगा ना कि बिहार में कैसा परिस्थिति था। आज का परिस्थिति में देखिए ना, बेटियां सब पत्रकार बन के घूम रही है, खुलेआम घूम रही है, ये सब किसका देन है, नीतीश कुमार जी का ना, तो ये लोग बोलते रहते हैं, बोलने का काम। केबीसी न्यूज पटना से अमलेश आनंद की रिपोर्ट।